सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो चेंज कर सकते हैं प्रीमियर प्रो की मदद से, और कैसे आप कोई भी कलर बना सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं वीडियोज़ के अंदर अडोब प्रीमियर प्रो की मदद से। सारे के सारे आपको स्टेप बताने वाला बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आज की इस कमाल की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने प्रॉपरली अपना वीडियो का जो कलर होता है वो चेंज करना है प्रीमियर प्रो के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, उसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना मेरी वीडियो के अंदर, ये सारा का सारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स की थोड़ी सी मूडी सी ब्लू सी टोन आए, बिल्कुल फिल्मी सी। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको करता हूँ जूम आउट। और सबसे पहले आपने जो भी कलर ग्रेडिंग करनी है ना वो लुमेट्रिक कलर के अंदर करनी है, जैसा कि आपको पता ही होगा प्रीमियर प्रो अगर आप यूज़ करते हैं। अगर आपको लुमेट्रिक कलर नहीं शो हो रहा है तो सिंपली आपने जाना इफेक्ट्स में यहाँ पे, और इफेक्ट्स में जाके आपने सिंपली जाना है यहाँ पे, जैसे वो राइट साइड पे दिख रहा है, और राइट साइड पे आपने जाना है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। और वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जैसा कि मैंने यहाँ से इसको ओपन किया हुआ पहले, और वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाके आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है लुमेट्रिक कलर, तो आपका सेम लुमेट्रिक कलर ओपन हो जाएगा विंडो में। ओके, तो सबसे पहले आपने जाना कलर वाले सेक्शन में, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लिक, और ये मेरा कलर वाला सेक्शन मीन्स कि लुमेट्रिक कलर वाला पैनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट है ना ये सारा का सारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा राइट साइड पर और नीचे आऊँगा, जैसे कि आपको बेसिक करेक्शन दिख रहा है, क्रिएटिव दिख रहा है, कर्व्स दिख रहा है। ओके, तो कर्व्स के अंदर आपने जाना है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से कर्व्स दिख जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो कर्व्स के अंदर आपने जाना है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ह्यू वर्सेस ह्यू। ये बहुत ही कमाल का मतलब कि टूल है, इसकी वजह से आप इजीली अपना वीडियो का जो कोई भी कलर आप बना सकते हैं, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब जैसा कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कलर पिकर वाला टूल सिंपली, और इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से। और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आपको राइट साइड पर कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। अब आपने सारा का सारा जो खेल खेलना है इन डॉट्स के ऊपर ही खेलना है, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ सेंटर वाले डॉट को, और जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए कितना कमाल का हमारा इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल हमारी ब्लू सी ना टोन आनी स्टार्ट होगी। ये देखिए काफ़ी कमाल का हमारा इफेक्ट आता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये देखिए काफ़ी हमारी ब्लू सी टोन आनी स्टार्ट होगी ये। और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ तक कि थोड़ा हमारा इफेक्ट नेचुरल लगे, ऐसा लगे कि फेक है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और साथ वाले डॉट्स के साथ भी हम प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पहले डॉट पे, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ वहाँ करके देखते हैं। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो रोज़ का कलर है ना वो चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर रोज़ का कलर चेंज करना नहीं चाहता, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ से, और चलते हैं थर्ड डॉट के ऊपर, और थर्ड वाले डॉट को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, और एटलीस्ट मैं इतना रखूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो भी ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है ये जो, ये भी सारा का सारा ब्लू हो जाए, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और चेक करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपको ह्यू वर्सेस ल्यूमा भी मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर। ओके, और ह्यू वर्सेज सेचुरेशन में जाते हैं, सबसे पहला वाला कर्व वाला आपको सेक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कलर पिकर से ये वाला पार्ट। ओके, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और जैसा कि आपको राइट साइड पे फिर से डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, और मैं फिर से प्ले करता हूँ डॉट्स के साथ, और सेंटर वाला डॉट हम लेके आते हैं ऊपर नीचे करके देखते हैं इसको थोड़ा सा। और जैसे मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मेरा जो है वो हाई हो रहा है और डाउन हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारा जो वीडियो है ना बिल्कुल मैच कर जाए, ऐसा ना हो कि जो रोज़ के ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है वो ज़्यादा हाईलाइट हो। तो इसको मैं बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ यहाँ से, और इसको बिल्कुल हम इतना कर देते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक कुछ इतना। ओके, और साथ वाले को लेके आते हैं ऊपर नीचे करके देखते हैं, और साथ वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, जस्ट थोड़ा सा, इतना बहुत है। ओके, और फिर आते हैं हम थर्ड डॉट के ऊपर, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा माइनस में करता हूँ, मीन्स की नीचे लेके आते हैं यहाँ पे। तो मैं आता हूँ नीचे, और नीचे आके मैं थोड़ा सा इसको और ब्लू करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला पार्ट, और मैं जाता हूँ फिर से ह्यू वर्सेस ह्यू में, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कलर पिकर, और कलर पिकर को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। और आपको यहाँ पे दो डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल छोटा सा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और चेक करते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ वहाँ करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ना इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल मिनिमम सा आ रहा होगा, ये देखिए आ रहा है थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। और इसको मैं लेके आता हूँ थोड़ा सा नीचे, बिकॉज हमें बिल्कुल मैच करना है,
और इस डॉट को भी मैं थोड़ा सा करता हूँ एडजस्ट, और थोड़ा सा मैं करता हूँ इसको एटलीस्ट, इसको हम करते हैं इतना कर देते हैं एटलीस्ट, ओके। सो मैं फटाफट यहाँ से एडजस्टमेंट करता हूँ कि हमारी वीडियो लेंथी ना हो। तो सारी की सारी जो कलर एडजस्टमेंट्स थी वो मैंने कर ली हैं जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि नीचे आऊँगा और ह्यू वर्सेस लुमा को भी हम चेक करेंगे कि हमने ब्राइटनेस कितनी रखनी है वीडियो के अंदर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ह्यू वर्सेस लुमा के अंदर जाके कलर पिकर, और यहाँ से मैं लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मेरा जो पार्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है, थ्री डॉट्स मेरे लग चुके हैं। अब मैं सेंटर वाले डॉट को कुछ इस तरीके से, मतलब कि अगर मैं माइनस प्लस करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी जो वीडियो होगी वो ब्राइट हो जाएगी, और अगर आप नीचे करेंगे तो डार्क हो जाएगी। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी वीडियो ओके है, तो यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस जेड और इसको मैं यहाँ से अंडू करता हूँ। और चलते हैं हम फटाफट बेसिक एडजस्टमेंट्स के ऊपर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ बेसिक करेक्शन, और उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रास्ट में, और कॉन्ट्रास्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एटलीस्ट हम कर देते हैं इसको 10.3, ओके। हाईलाइट्स को थोड़ा सा चेक करते हैं, सेम एज इट इज़ हम लाइट रूम की तरह ही इसको एडजस्ट करेंगे। तो हाइलाइट्स में लेके आता हूँ थोड़ा सा एटलीस्ट माइनस में लेके आते हैं, और इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा -21.8। सो उसके बाद चलते हैं शेडोज़ में, और शेडोज़ में थोड़ी सी मैं शेडो को माइनस में करता हूँ एटलीस्ट -6.9, और नीचे आते हैं वाइट्स में, और वाइट्स में आके थोड़ा सा मैं वाइट्स को करता हूँ माइनस में, बिकॉज मुझे फिल्म स्टाइल में थोड़ा सा करना है जैसे फिल्मों में लुक होती है। और वाइट्स मैंने रखे हुए हैं -6.9 पे, और यहाँ से मैं आता हूँ नीचे, और मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। और नीचे आता हूँ मैं क्रिएटिव में, और क्रिएटिव में आके सबसे पहले तो आपने जाना वाइब्रेंस में, और वाइब्रेंस में थोड़ा सा इसको प्लस करना है, एटलीस्ट आप इसको कर दें 8.0। अब मैं जो भी कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और कैसे आपने इफेक्ट्स को यूज़ करना है लुमेट्रिक कलर के अंदर, ओके। और सिंपली मैं यहाँ से आता हूँ सैचुरेशन के अंदर, और सैचुरेशन के अंदर आके थोड़ी सी हम सैचुरेशन को देखेंगे बढ़ा के कि इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है। तो सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा रहने दूंगा, अंडू कर देता हूँ यहाँ से, और इसको हम नहीं छेड़ेंगे। सो उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, और नीचे आते हैं हम, और यहाँ पर मैं आता हूँ कलर व्हील्स वाले सेक्शन में, और कलर व्हील्स वाले सेक्शन में जाके सबसे पहले तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मिड टोन्स, और मिड टोन्स को आपने चेक करना है कि आपकी मिड टोन्स कहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ब्लूइश टोन देना, और मैं लेके आता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, और इतना ठीक है। और चलते हैं शेडोज़ में, और शेडोज़ में जाके यहाँ से मैं इसको लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से, और इतना ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं हाईलाइट्स में, और हाईलाइट्स को भी मैं चेक करता हूँ, और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। और एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो को ना आगे करके देखता हूँ कि मेरी वीडियो के में जो फेस है लड़की का वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो हमारा कलर व्हील्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कलर व्हील्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद सिंपली मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, मीन्स कि आगे लेके आते हैं वीडियो को, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सो स्किन टोन को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर आऊँगा, और यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा टेम्परेचर और टिंट के साथ खेलूँगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ टेम्परेचर में, और टेम्परेचर मैं थोड़ा सा माइनस प्लस करके देखता हूँ, और थोड़ा सा हम इसको करते हैं प्लस, हल्का सा करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे, +2.3, ओके। और टिंट में जाते हैं, और टिंट को मैं थोड़ा सा प्लस में करता हूँ एटलीस्ट, इसको हम कर देते हैं 4.6। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारी जो वीडियो है कितनी कमाल की मतलब बन चुकी है, बिल्कुल ब्लू हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फेड सा लुक आए, तो फेड लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर क्रिएटिव वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से सिंपली आपने करना है फेड फिल्म को कुछ इस तरीके से। जैसे आप फेड फिल्म को कुछ इस तरीके से करेंगे, तो आपकी वीडियो के अंदर मूडी सा मतलब कि लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, एटलीस्ट मैं इसको करता हूँ, हम करते हैं एटलीस्ट इसको रखते हैं 10.9%, ओके। और मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके बताता हूँ एक बार। और यहाँ से मैं लेता हूँ एडजस्टमेंट लेयर, और न्यू आइटम में जाके, और आपने जब भी कलर ग्रेडिंग करनी है तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर करनी है। मैंने जस्ट डैमो देना था आपको, तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। तो मैं एडजस्टमेंट लेयर को लेके आता हूँ ऊपर, और यहाँ से इसको करते हैं इस तरीके से, और इसको मैं करता हूँ जो हमने इफेक्ट वगैरह लगाए हैं इस क्लिप के ऊपर, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और लेके आता हूँ मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर,
कुछ इस तरीके से। यहाँ से करता हूँ पेस्ट और मैं आपको दिखाता हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर करके। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से सिंपली मैं करता हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये देखिए मतलब कि काफ़ी कमाल का हमारा लुक आ रहा है, बिल्कुल फिल्म स्टाइल में हमारी वीडियो कलर ग्रेड हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारी बिफ़ोर और यहाँ से मैं करता हूँ आफ्टर। ये देखिए ये बिफ़ोर होगी और ये हमारी होगी आफ्टर। कितना कमाल का हमारा लुक आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने जस्ट ह्यू वर्सेस ह्यू को यूज़ करना है और आपकी सारी की सारी जो वीडियो होगी उसका कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं और कमाल का लुक आप अपनी वीडियोस के अंदर ला सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया कि आप किस तरीके से प्रॉपरली अपनी वीडियोस का जो कलर होता है वो चेंज कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और आप कोई भी कलर चूज़ करके उसको अप्लाई करके अपनी वीडियोस को अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक थैंक यू।